आज की हमारी जो राइड है वो है हमारे यानी कि शिमला, यानी कि पटियाले से हम शिमला जाने वाले हैं। तो यहाँ से यानी कि नियर अबाउट 180 किलोमीटर समथिंग है, और वैसे यहाँ पे जितना कॉस्टली पड़ेगा, यानी कि हम जा रहे हैं बाइकों पे। तो बाइक आपको दिखा, देखो हमारी बाइक ये वाली है सारी, तो सारी बाइक है हमारी। 5:30 बजे तक सारे रेडी हो चुके हैं, अभी जो टाइम हो गया 6:45 हो गए, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये वाली राइड जो है यानी कि एक दिन की है राइड सिर्फ, मतलब कि अभी जाएंगे शाम को 8-9 बजे तक समथिंग वापस आ भी जाएंगे एंजॉय करके। तो आप पूरा व्लॉग देखेगा। और भाई यहाँ पे ना सबसे ज्यादा तेज चलने वाली टोटी ये वाली है, देखो इससे ज्यादा तेज नहीं चलेगी, सबसे ज्यादा तेज है। और ये है इसकी टैंकी, और ये खड़ी हमारी सुपर बाइक सारी। अभी वैसे ना मैं यहाँ पे आया था दुकान के अंदर हूँ, वैसे रेस्टोरेंट के अंदर, इतना खास तो नहीं है, बट यहाँ का जो व्यू है ना, व्यू देखोगे तो कितना प्यारा व्यू है भाई, यहाँ से देखो कितना प्यारा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक, और ये घर है भाई, यहाँ पे नीचे घर बन रहा है अभी, ये सीढ़ी लगी है। और यहाँ पे ये वाली शॉप है जहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक ली, और वो वहाँ पे मैंने आपको व्यू दिखाया था। और बाकी हमारे सारे राइडर इस तरफ खड़े हैं, देखो सारी। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं अभी हम शिमला, और अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए भाई। तो और हमारी गाड़ी है वो यहाँ पे खड़ी है सारी गाड़ी, ये देखो कितनी सारी है, और सामान कितना, ये देखो जैकेट वैकेट हम अब नीचे रख रहे हैं। वो ये गुरुद्वारा यानी कि शिमले का ये वाला गुरुद्वारा है, और ये वाली पार्किंग है अगर आप देखोगे तो, और लास्ट में देखोगे कितनी सारी पार्किंग है भाई, गाड़ी देखो कितनी सारी है, वो भी सारी पार्किंग है वहाँ पे। और हम जा रहे हैं ऊपर यानी कि माल रोड पे, और वो ट्रेली जा रही है, ट्रॉली वाली, ठीक है। और वहाँ पे लिफ्ट का भी रास्ता है, पर हम लिफ्ट से नहीं जा रहे, हम यहाँ से पाइप पाइप पैदल जा रहे हैं ऊपर की तरफ वहाँ पे। अभी गर्मी के अंदर होने वाली है हमारी बस मीन बस, अभी यहाँ पे तो बस भी नहीं मिलेगी हमको। तो देखो शिमले के रोड, ये शिमले का रोड है हाईवे वाले, ये देखो ऐसे, वो देखो कैसे चल रहा है भाई। एक बंदा क्या गया, वो कितने गया, ये देखिए रहा, ये देखो कैसे आ रहा है, ये देखो भाई कैसे फील हो रहा है आपको। शूज उतार दो मेरे भाई, अभी तो और ऊपर जाना है, अभी और ऊपर जाना है हमने, आ जाओ ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके वार्म अप पूरा हो जाए। दिस इज फ्रूट मैंगो लीची एंड स्ट्रीट, भाई देखो सीढ़ी ऐसे ऊपर ड्रैग हो गया तेरा मुंडा। तो हम जा रहे हैं जो लोकल वाला रास्ता है वहाँ से, लिफ्ट से नहीं, ऊपर जाते जाते हमारी जो बॉडी है पंप हो जाएगी, फिर हम आप बनाएंगे वीडियो एप्स वाली। अच्छा ये देखो पार्किंग कैसे जैसे, वाह गेट कितना अच्छा है, वाह गोलगप्पे खाने, ये किधर है, इधर है भाई, देखो कैसे आ रहे भाई हिमाचल वाले पर्सन, अभी इसको सर्दी लग रही है, हैं वो देख कैसे आ रहा है, वो देख कैसे आ रहा है, वो देख अल्लाह तो गिरेगा ये। चलो जी वैसे हम जो रास्ते पे जा रहे हैं वो स्ट्रीट टाइप में, यानी कि यहाँ की स्ट्रीट कुछ इस टाइप में, और ये देखो साथ में घर है साथ में स्ट्रीट है, ये भी घर है ये स्ट्रीट है, ये देखो रास्ता, चलो 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 चलो, ये कहाँ पे सो रहा, देखो फाइव स्टार जैसा बेड, ओह माय गॉड ये है क्या, देखो कैसे सो रहे लोग भाई, होटल
भाई डर है शिमला की मार्केट वैसे हमारे काम की नहीं है ये शूज पता नहीं कैसे हाँ जी मजा आ जाके मार्केट चो आ जाओ ना इधर ही आ जाओ नहीं इधर से आ जाओ मार्केट अच्छी है वैसे काफी भीड़ है भाई यहाँ पे कितने प्लेट है गोल गप्पे की है भैया हाँ कितने की प्लेट है कितनी एक प्लेट दो प्लेट में कितने हैं टेस्ट करा दो एक बारी मेनू कैप्चर करें पिछों में के लिए हमने स्पेशली गाड़ी मंगाई है गाड़ी पता कितनी अच्छी है ये ए ए सर गड्डी आ गई तेरी वो आ गई गाड़ी गड्डी मंगा ली तेरा फिर वो देखो कितनी अच्छी गाड़ी आ रही है गाड़ी मंगा ली तेरा ये वाली गाड़ी भाई ये वाली गाड़ी देखो इसके लिए है ओए याद है इसमें वैसे कितनी अच्छी गाड़ी है यार हेलो वैसे जब अभी हम वहाँ पे बाइक को मिल के आए हैं अभी तो यानी कि जो ऊपर मंदिर यानी जो मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की वो काफ़ी यहाँ से यानी कि काफ़ी ज़्यादा 7-8 किलोमीटर का फ़र्क है यानी कि अगर आपने वहाँ पे जाना है तो उसके लिए आपको टैक्सी भी करवा सकते हो अवेलेबल टैक्सी है इस टाइम मतलब कि अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप पैदल चलते चलते थक गए हो तो आप टैक्सी करवा सकते हो तो हमने उनसे पूछा था कि वहाँ का प्राइस है पर पर्सन का क्या पड़ेगा तो पहले उन्होंने पूछा कि आप कितने जन हो तो मैंने बताया कि हम 7 जने हैं वहाँ पे तो उसने 7 जनों का बोला 700 रुपया मतलब कि पर पर्सन 100 रुपये 50 रुपये जाने के 50 रुपये आने के तो ठीक है वैसे अभी हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ ऊपर फाइनली अभी पहुँच चुके हैं हम माल रोड हिमाचल एंड वैसे काफ़ी ज़्यादा रौनक सौनक लगी है यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय फ्लैग हवा नहीं चल रही इसलिए थोड़ा सा नीचे है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं अभी हम करेंगे हम भी पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रास्ता देखो पब्लिक बहुत आई हुई है यहाँ पे वैसे और यहाँ पे स्टार्स वगैरह लगी है क्या क्या चाहिए वो भी हम आपको दिखाएंगे कैप्चर करके ₹10 का एक बनाना माल्टा 30 रुपये का क्या रेट है ये 160 तेरा क्या रेट है 100 रुपये किलो दर्जन ओके और मैंगो 100 रुपये के किलो भाई और बाकी ये मार्केट बिल्कुल लास्ट में चलेगी चर्च के और यहाँ पे जो है ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है बड़ी तो और यहाँ से पीछे से काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे बाकी ठीक है जो भी है भाई लोकेशन फिलहाल अभी हमने जो है यहाँ पे यानी काफ़ी सारा टाइम जो एक्सपेंड किया
तो पीछे आप देख ही रहोगे चर्च है, यानी कि शिमले की जो मेन है यहाँ पे, जो माल रोड है यहाँ पे अभी इस टाइम। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोग्राफी वीडियो शूट यानी कुछ रील्स वगैरह हमने बनाई पर काफ़ी अच्छा लगा। पर कुछ कुछ टाइम बाद जो है हमारा मौसम यानी कि जो मौसम है चेंज हो रहा है, जो यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर सबसे बेस्ट है, कोई गर्मी नहीं है, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं वो सर्दी वाले कपड़े पहन रहे हैं अभी। और आपको बता दो भाई, जो ये वाला रास्ता है ना, यानी कि चर्च से परली तरफ जाता है स्ट्रेट, और जो ये वाला रास्ता जो लिफ्ट वाला ही, दैट मीन्स कि अगर आपने लिफ्ट से जाना है तो ये वाला रास्ता आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल ही उसके नीचे की तरफ है सीधा। शिमले के अंदर माल रोड के अंदर आपको यहाँ पे शोरूम भी मिल जाएगा स्केचर का, वैन हाउस एंड ऑक्टिव। तो यानी कि यार यहाँ पे भी मतलब कि शोरूम है, आप इजीली यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। जिसने ब्रांड यूज़ करना है आपको तो इधर। इस टाइम मैं हूँ शिमला बियर विंग कंपनी पर। मैं तो बियर बुयर वगैरह नहीं पीता, पर जो स्नैक्स वगैरह वो हमने यहाँ पे खा लिए थे। और यहाँ का जो व्यू है भाई बड़ा शानदार है, ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा है यहाँ का व्यू, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये देखो कैसे जाल लगे, मतलब कि कितना ज़्यादा मज़ेदार है ये चीज़। और यहाँ का जो व्यू देखोगे कितना प्यारा है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने खा पी लिया, अभी जा रहे हैं फिलहाल अभी तो। यस सर, एंड बाकी बस यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खाए हमने, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और वैसे यहाँ काफ़ी टेस्टी था मोस्टली। तो अभी यहाँ पे जो टाइम 3:30 बज चुके हैं, और यहाँ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया, और अभी जो है 1-2 घंटा और लग जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से हम चलेंगे वापस। तो अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ पेंडिंग पड़ी है। तो अभी कुछ खा लें क्या? कुछ नहीं खाया। ओह माय गॉड, देखो इनके लिए स्पेशली इनके लिए ना ये बनाए हैं, ये मैंने घर पे लगाने हैं सारे। सच्ची ये ले ली गरीब वाली कितने के? पाजी 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 गल सुनो, साडे नाल बड्डे नाल गल सुनो पहले। पाजी कॉम्बर वाली लिफ्ट तो ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ। ये वाला मंकी देखो भाई, हम इस मंकी वाले शिमला बियर विंग के अंदर थे अभी। तो अभी सारे आ चुके बाहर, सारे हो गए टैक वैट खा पी के, और हम रह गए भूखे। ये वाला रास्ता गुरुद्वारे की तरफ जा रहा है भाई, लगता आपको कहीं, मुझे लग रहा है जंगल की तरफ जा रहा है। हाय थैंक गॉड पहुंच गए। ये है 5-star स्ट्रीट शिमले की। तक 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 हो। वैसे ना काफ़ी सारा मज़ा आया आज के ब्लॉग में, यानी कि आज शिमले के अंदर घूम के। और मैं आपको बता दूं भाई, देखो एक दिन का जो शिमले का टूर है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंजॉय मतलब कि इतना लिमिट में कर सकते हो, इतना ओवर नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आ भी रहे हो, काफ़ी दूर से आ रहे हो, यानी कि 150-200 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, तो आई थिंक आपको एक नाइट स्टे करनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि एक नाइट स्टे करके आपकी जो बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद क्या आप फिर की जो एनर्जी है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज होती है। और वैसे अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कि आप संडे का फ्री होते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक उठाओ आप यहाँ पे आ सकते हो इजीली हमारी तरह। कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ 400-500 का पेट्रोल लगेगा, बाकी 300-400 आपके जो डाइटिंग के वो खाने के है। और बाकी हमारा जो ब्लॉग है भाई, देखो कुछ इस टाइप का यहाँ पे पीछे का व्यू। अभी हम वैसे जाने की तैयारी में हैं, हमारे जो खाद टीम है वो वहाँ पर अभी पहुँची हुई है, वेट करिए हमारा, क्योंकि हम पीछे रह गए थे काफ़ी ज़्यादा, हमें घूमने का शौक है इसलिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा तो नीचे लाइक कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कितने हो गए तेरे को? यू आर रेडी? हां साहब जी सर, साहब साहब चल रहे हैं। पैसा मैं कहना, पैसा लेके इतने जाना अकाउंटेंट लगे मेरे घर पे जाना सीए बुलाओ सीए हां घर पे जाना है, घर पे जाना है नहीं क्यों साढ़े बंद बैठो सीए साहब बंद बैठो चले यार।
यहाँ पे हमने किया अभी इंजॉय, यानी कि ये वाला हमारा जो था सेकंड स्टॉप है यहाँ पे, तो इट मीन्स तो ये वाला जो था हमारा सेकंड स्टॉप है, तो इस सेकंड स्टॉप जो है था वो अभी हमने चाय वगैरह पी ली और अभी हम इसके बाद सीधे जाने वाले हैं अभी घर। वैसे यहाँ की जो लोकेशन है काफ़ी ज़्यादा प्यारी और अच्छी थी, शानदार थी बहुत ज़्यादा, और ये भी थोड़ा रिलैक्स हो गई यहाँ पे। तो बस फिर अभी सीधा जो है यानी कि नॉन स्टॉप अभी यहाँ से हमने निकलना पड़ेगा, और यहाँ पे सिर्फ हमने सिर्फ चाय पी है, 60 रुपीज़ का कप था, सिर्फ ज़्यादा महंगा नहीं था। और यहाँ से अभी नियर अबाउट 60 यानी 70 किलोमीटर भी हमारा जो है 100 किलोमीटर के आसपास जो है हमारी लोकेशन पड़ी अभी, तो ट्रैक नहीं।